और अब एक मिनट पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटिश पीएम के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश पीएम जॉनसन को एक बड़ी राहत आज मिली है। वो अपने पद पर बने रहेंगे। पार्टीगेट मामले की अग्नि परीक्षा में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। पार्टीगेट स्कैंडल के चलते संकट में घिरे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत साबित कर दिया। बोरिस जॉनसन ने 211 मत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। जॉनसन के खिलाफ 148 वोट डाले गए। कंजर्वेटिव 1922 कमेटी के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने बताया कि कुल 359 वोट डाले गए, जिनमें से कोई भी खराब मत पत्र नहीं था। विश्वास मत हासिल होने के बाद ब्रिटिश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन के लिए ये एक आसान जीत थी। उन्होंने कहा कि जॉनसन के विरोधियों को अब अपने प्रयास यहीं रोक देने चाहिए। इधर शिक्षा सचिव नादिम जहावी ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की आज रात खुशी मना रहे होंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बोरिस जॉनसन कल भी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। खास बात यह है कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी खुद जॉनसन के खिलाफ ये प्रस्ताव लाई थी। यदि वो इस प्रस्ताव में हार जाते तो पीएम पद से हटना पड़ता, हालांकि इसकी संभावना कम थी। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, और ऐसे में आपको बता दें कि दरअसल कुपवाड़ा और सोपोर में दो एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में दो एनकाउंटर में तीन आतंकवादी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में जालूरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी मारे गए, इसमें एक पाकिस्तानी है। जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर सोमवार शाम शुरू हुआ था। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू है। पाकिस्तानी आतंकी लाहौर का रहने वाला है। ये जानकारी आतंकियों के पास जब दस्तावेजों से हुई है। मौके पर AK-47 राइफल और 5 मैगजीन जब्त की गई है। घाटी में इन दिनों दहशतगर्द के निशाने पर प्रवासी मजदूर और कश्मीरी हिंदू हैं। 26 दिन में टारगेट किलिंग में 10 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और पलायन की खबरें भी सामने हैं। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां गोली मार दे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में मुठभेड़ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर निसार खांडे के मारे जाने के 2 दिन बाद हुई है। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिसमें कई आतंकवादी और कमांडरों का सफाया किया गया है। तो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का खात्मा लगातार जारी है, और ऐसे में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। तीन आतंकी ढेर किए गए हैं। एक और खबर जम्मू कश्मीर से ही आपको बता दें। दरअसल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। BSF के जवानों ने जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखा, जिस पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, लेकिन इस दौरान ड्रोन ने भारत की सीमा में IED बम गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में अशांति और आतंकवाद फैलाने की अक्सर साजिशें रचने वाले पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर छेड़ा है। बीते कुछ सालों में तेजी से ऐसे मामले सामने आए हैं, जब ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमले करने, विस्फोटक गिराने और जासूसी करने की कोशिशें हुई। ऐसा ही मामला सोमवार देर रात कनाचक इलाके में सामने आया। रात करीब 11 बजे BSF को एक ड्रोन उड़ता दिखा। जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए उस पर फायरिंग की। कुछ देर में पुलिस को भी बुलाया गया और एक बार फिर से फायरिंग की गई। IED बम बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखकर भेजे गए थे। अखनूर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। पहले से अलर्ट जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग। ये ड्रोन फायरिंग के चलते नीचे आ गिरा। पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो गया है। ड्रोन में 3 टिफिन थे, जिनमें IED भरा था। यही नहीं, इन बमों के साथ अलग अलग वक्त पर टाइमर भी सेट किए गए थे। सुरक्षा बलों ने एक्सपर्ट्स की मदद से IED को डीएक्टिवेट कर दिया और किसी भी घटना की आशंका को टाल दिया। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और ऐसे में एक बार फिर से पाकिस्तान ने टिफिन बम भारत की सीमा में गिराए हैं। ड्रोन की मदद इस समय पाकिस्तान की ओर से ली जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी अगली खबर आपको बता दें। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी केकड़ा को लेकर नया खुलासा हुआ है। आरोपी केकड़ा नशा करता था, यहाँ तक कि मारपीट में अपने पिता को घर से बाहर भी निकाल दिया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के रेकी करने वाले केकड़ा को लेकर उसके ही परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है। आरोपी के पिता बलदेव सिंह का कहना है कि मेरा बेटा नशे का आदी है, मेरे साथ भी झगड़ा करता है और मुझे घर से निकाल रखा है। वो 10-12 दिन पहले घर आया था, उसके बाद घर नहीं आया। बलदेव सिंह ने कहा कि मुझे भी उसने परेशान कर रखा है।
छोटी लड़की की शादी भी करनी है। बलदेव सिंह ने कहा कि संदीप कभी कभी घर आता था, कभी नहीं आता था। एक बार वो चिट्ठा पीते भी पकड़ा गया था। 10-12 दिन हो गए जी, तो आया सी, अब मुड़ के आया नहीं जी। और एक मेरी बेटी है जी, एक बेटा है। नहीं जी, मैनू नहीं पता को, एक बारी वो नशा। संदीप उर्फ केकड़ा के पड़ोसी गुरप्रीत का कहना है कि ये लड़का पहले तो ऐसा नहीं था। पिता इसके बहुत गरीब है, हमारे साथ ही मजदूरी करता है। गुरप्रीत ने बताया कि संदीप इन्हीं दिनों में चिट्टा पीने का आदी हो गया था। गुरप्रीत ने बताया कि परिवार में ये 2 भाई और 2 बहनें हैं और इनका पिता है। केकड़ा की माता की मौत हो चुकी है। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में केकड़ा की गिरफ्तारी हुई, जिसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि पुलिस इसके बाद कई और खुलासे कर सकती है। दरअसल केकड़ा ही वो शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला के लिए मुखबरी की थी, लेकिन अब उनके माता पिता की ओर से खुद भी केकड़ा से दूरी बनाई जा रही है। रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर पंजाब से लेकर हरियाणा तक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। करनाल में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला और साथ ही इंसाफ की मांग। पंजाबी कलाकार और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का रोष हर जगह है। हर कोई चाहता है कि उसके परिवार को इंसाफ मिले। पुलिस भी लगातार कड़ियां जोड़ रही है। कई सीसीटीवी भी सामने आ चुके हैं, पर अभी तक इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। अलग अलग गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है, कई लोगों को हिरासत में ले रखा है। लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं हर जगह युवाओं में रोष है। करनाल में युवाओं ने कर्ण पार्क से निकलकर घंटाघर चौक तक कैंडल मार्च निकाली और इंसाफ की मांग की। उनकी तरफ से कहा गया कि ये जो भी हुआ है काफी गलत हुआ है, इससे हर युवा दुखी है, लोगों में गुस्सा है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला गया है। युवा महासेवा संगठन के प्रधान है और हमने सिद्धू मूसेवाला के साथ जो गोलीकांड हुआ है, जो उनकी हत्या की गई है, उसके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला है। और हम लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, जैसे कि इन आतंकवादियों को, इन गैंगस्टरों को बढ़ावा ना देते हुए देश में शांति का माहौल बनाए और इनको बढ़ावा ना दे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही लगातार इंसाफ की आवाज उठ रही है और युवाओं की ओर से इस आवाज को और बुलंद करने के लिए जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। अगली खबर कोसली से आपको बता दें। दरअसल कोसली के खुर्शीद नगर में 2 दिन पहले ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 5 कर्मचारी झुलसे थे। इस हादसे में झुलसे अब एक और कर्मचारी की मौत के बाद ग्रामीणों का रोष देखने को मिला है। रेवाड़ी शहर नगर परिषद के सचिव के ऑफिस में घुसकर गाली गलौज करने वाले और अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के साथ बदसलूकी का मामला देखने को मिला था। आरोप पार्षद दलीप माटा पर लगे, जिसके खिलाफ नगर परिषद के सभी कर्मचारी धरने पर बैठे। 2 दिन पहले कर्मचारियों ने FIR दर्ज करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन पार्षद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप है कि पार्षद दलीप माटा ने शुक्रवार को नगर परिषद ऑफिस में घुसकर सचिव प्रवीण कुमार के साथ किसी बात को लेकर गाली गलौज की थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए गोकल गेट के पास पहुंची नगर परिषद की टीम के साथ पार्षद की नोकझोंक भी हो गई थी। मामला गाली गलौज और बदसलूकी तक पहुंच गया था। इन दोनों घटनाओं के बाद नगर परिषद कार्यालय में ही सफाई कर्मचारी और अन्य स्टाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्षद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की गई। मेरे कर्मचारी संघ का जो ज्ञापन मिला है, मेरे स्टाफ का जो ज्ञापन मिला है, मेरे द्वारा सारे दस्तावेज, वीडियो फोटेज मेरे कार्यकारी अधिकारी, मेरे सत्संग पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से। इस हादसे के बाद से ही लगातार गुस्साए ग्रामीणों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि इस हादसे में 5 कर्मचारी झुलसे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हरियाणा में वैसे वैसे ही सियासत भी गर्मा रही है। अब कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला ने कहा है कि 31 कांग्रेस विधायक एक ही जगह वोट डालेंगे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस के सभी विधायक रायपुर में ठहरे हुए हैं और 10 जून का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला भी रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। बैठक में विधायकों से चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद राजीव शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस के 31 विधायक एक ही जगह वोट डालेंगे। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस अपने डर के कारण विधायकों को कहीं ले गई है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा का अपना प्रभाव है और बीजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन दिया है। देखिए कांग्रेस की समस्या, मैं समझता हूँ कि जो
विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं इस प्रकार की गड़बड़ होगी तो इसलिए वो यहाँ से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो राज्यसभा चुनाव के लिए इस समय सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस की ओर से दावा है कि उनके सभी विधायक एक ही जगह वोट डालेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, नैलो पार्टी की मजबूती के मकसद को लेकर अभय सिंह चौटाला ने अपनी पत्नी कांता चौटाला को महिला कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें फील्ड में उतार दिया है, जिन्होंने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर कड़ा प्रहार भी किया है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि दरअसल इसका मकसद ये है ताकि नैलो पार्टी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके और साथ ही लोगों के बीच में अपनी इस पकड़ को और ज्यादा मजबूत बढ़ाया जाए, तो इसीलिए अभय चौटाला ने अपनी पत्नी को अब मैदान में उतार दिया है। अभय चौटाला की पत्नी कांता चौटाला भी अपील में उतरकर महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य में जुट गई हैं। सोमवार को सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी को मजबूत करना ही मकसद है। ये परिवार का फैसला है कि उनको अभी महिलाओं की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमारी जैसे पार्टी की सुनाना दी है, वो बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन सबको मिलके जुल के काम करना होगा पूरे परिवार को, और जितने भी हमारे पूरा परिवार मतलब इनेलो के जितने भी लोग हैं वो सारा हमारा पूरा परिवार है, तो सब मिलके मेहनत करेंगे तभी हम एक पार्टी को नई ऊंचाइयों पे ले जा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अब राज्यसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस को डर सता रहा है कि पिछली बार की तरह ना हो जाए, इसलिए विधायकों को तो वही करना है चाहे उन्हें कितने दिन बाहर घुमा लो, जो कार्य करना है आने के तुरंत बाद कर दिया जाएगा, जो कुछ करना है हुड्डा को करना है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में इनेलो कांटे की टक्कर के साथ मुकाबले में है, बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आने वाला है। इनेलो से जेजेपी पार्टी बनने पर उन्होंने कहा कि परिवार के तो हिस्से हो चुके हैं लेकिन इनेलो एक सूरज की तरह है। तो इनेलो पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अब खुद कांता चौटाला मैदान में आ गई हैं, महिलाओं से वो मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में मकसद सिर्फ इतना ताकि पार्टी को और ज्यादा जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, दरअसल रेवाड़ी नगर परिषद में पार्षद दिलीप माटा के खिलाफ सभी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक मिनट की इस रिपोर्ट में देखें। कोसली के खुर्शीदनगर में K2 ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट में दो दिन पहले सुबह करीब 5 बजे बड़ा हादसा हुआ। प्लांट भट्टे की चिमनी से अचानक बैक प्रेशर से लगी आग से हुए इस हादसे में 5 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए थे, जिन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन बीती रात उपचार के दौरान उन 5 में से 3 की दर्दनाक मौत हो गई थी। सोमवार शाम जब कोसली निवासी 28। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार सफाई कर्मचारियों की ओर से की जा रही है और इसीलिए पार्षद के खिलाफ कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। जगाधरी में युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई और युवक अपने दोस्त के साथ बाहर घूमने गया था, इस दौरान उसे गोली लगी। पुलिस जांच जारी है कि ये गोली खुद लगी या फिर किसी ने उस पर फायर किया। जगाधरी थाना क्षेत्र स्थित प्रकाश चौक के पास दीपक वर्मा नाम के युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां से उसे PGI रेफर कर दिया गया था, परंतु परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया। वहीं पुलिस युवक के साथ ही विकास से पूछताछ कर रही है। मुखर्जी पार्क के रहने वाले दीपक वर्मा की मां ने बताया कि बेटा अपने दोस्त विकास के साथ बाहर घूमने गया था, जब वो प्रकाश चौक के पास पहुंचे तो वहां पर बाइक पर आए 2 युवकों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसमें दीपक के पेट में गोली जा लगी। मौके पर ही वो गिर पड़ा, उसे सिविल अस्पताल जगाधरी लेकर पहुंचा। परिजन उसे निजी अस्पताल में ले आए जहां उसका इलाज चल रहा है। मैंने कहा मम्मी मैं 1 महीना रहूंगी, 15 का टिकट कटा हुआ जाने का। उन्होंने बोले 1 महीना रह के मम्मी, तो मैंने थोड़ा काम का पता लगा, 5 बजे घर से निकला है, पेट्रोल भरा। लेकिन जिस तरह से यमुनानगर में आए दिन गोलीकांड हो रहे हैं, उससे लोगों में काफी खौफ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस भी हॉस्पिटल में पहुंच दीपक के बयान लेने की कोशिश कर रही है। तो इस मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है और साथ ही पुलिस भी इसमें बयान सभी जुटाने में जुटी हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि दरअसल गुरुग्राम में CM फ्लाइंग और DTP एनफोर्समेंट विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम में अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग और डीटीपी इन्फोर्समेंट विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से की। दरअसल पकड़े गए सभी आरोपी गैलेरिया मार्केट के सामने सर्विस रोड पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग लगवा कर पैसे वसूल करते थे, यानी बिना परमिशन ही अवैध रूप से पार्किंग के नाम पर वसूली की जा रही थी। POS इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से पार्किंग की फीस रसीद काटते हुए ठेकेदार के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी कार पार्किंग चलाने से संबंधित दस्तावेज, अनुमति पत्र या पार्किंग के लिए लाइसेंस पेश नहीं कर पाए। ये आरोपी POS इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 20 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर प्रति घंटा 20 रुपए वसूल करते थे। वहीं मोटरसाइकिल से आने वाले लोगों से 10 रुपए प्रति 2 घंटे और 2 घंटे से ऊपर प्रति घंटा 10 रुपए वसूल करते थे, यानी प्रतिदिन लगभग 20 से 25,000 रुपए अवैध पार्किंग के नाम पर वसूला जा रहा था, जिस पर अब सीएम फ्लाइंग और DTP इन्फोर्समेंट विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो सीएम फ्लाइंग और DTP विभाग की ओर से ये संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध पार्किंग के नाम पर वसूली करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज सुबह सीएम योगी श्रीकृष्ण जन्मस्थान पहुंचे और यहाँ उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए। मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। मंदिर में श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के बाद सीएम योगी रसखान समाधि जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार की सुबह दर्शन करने श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह ठाकुर केशवदेव मंदिर, योग माया मंदिर में दर्शन किए। करीब 15 मिनट तक सीएम योगी जन्मस्थान पर रहे। उन्होंने जन्मस्थान परिसर स्थित भागवत भवन में राधा कृष्ण के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ को सेवायत ने उनको भगवान का प्रसादी अंगवस्त्र और प्रसाद भेंट किया गया। सीएम का काफिला कार से गोकुल स्थित रसखान समाधि स्थल के लिए रवाना हुआ। रसखान समाधि स्थल का जीर्णोद्धार किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के मथुरा दौरे पर हैं और ऐसे में वो श्री कृष्ण जन्मस्थान पर पहुंचे और यहां ठाकुर जी के दर्शन मुख्यमंत्री की ओर से किए गए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से आपको बता दें, दरअसल कानपुर हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच और तेज होती जा रही है और इस केस में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 लोगों को पकड़ा गया है। कानपुर हिंसा केस में यूपी पुलिस की जांच और तेज होती जा रही है। केस में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 जून तक कुल 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीते 24 घंटे के दौरान 12 लोगों को पकड़ा गया। दूसरी तरफ पत्थरबाजों में कानपुर पुलिस का भारी खौफ नजर आ रहा है। कानपुर कमिश्नरी पुलिस द्वारा पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद बेहद खौफ देखा जा सकता है। हिंसा में शामिल सलू नाम के युवक ने करनैलगंज थाने में सरेंडर कर दिया। पुलिस द्वारा जारी हुए पोस्टर में 13वें नंबर पर फोटो लगा हुआ था। पुलिस ने कल शाम सल्लू के बड़े भाई और बहनोई को गम्मू खां हाता से हिरासत में लिया था, जिसके बाद देर रात सल्लू ने थाने में सरेंडर किया। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए नजर आया था सल्लू। यूपी पुलिस ने 40 संदिग्ध लोगों की तस्वीर जारी की है। आरोप है ये सभी लोग हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कुछ ऐसे पत्थरबाजों की पहचान की है जिन पर हिंसा में शामिल होने की बात सामने आई है। वीडियो फुटेज में निकाल कर पोस्टर के रूप में पुलिस ने कानपुर की चौकियों और सड़कों पर इन तस्वीरों को चस्पा किया है। तो कानपुर हिंसा मामले में लगातार एक्शन जारी है। 50 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अपराधियों के भी इस समय डर उनके भीतर बैठा हुआ है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जब वो वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित एक मामले में हुई है। देर रात 3 बजे अमलोह से साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा PCA के तहत DFO गुर अमनप्रीत सिंह की हालिया गिरफ्तारी के सिलसिले में उन्हें अमलोह से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार DFO और ठेकेदार हमी ने वन विभाग में गलत कामों का ब्यौरा दिया था, जिसके बाद धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई।
पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के संबंध वन अधिकारियों से रहे हैं। उन पर 25,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल होने का आरोप है। कैप्टन सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। विजिलेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक कई उच्च अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोप है कि वन मंत्री रहते हुए साधु सिंह धर्मसोत ने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। उनके कार्यकाल में 25,000 पेड़ काटे गए, उन्होंने 500 रूपए प्रति पेड़ रिश्वत ली। तो पूर्व मंत्री धर्मसोत अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिश्वत लेने का ये पूरा मामला है। आरोप है कि उन्होंने एक पेड़ के लिए 500 रुपए की रिश्वत ली थी और ऐसे में 25,000 के करीब पेड़ उनके जो है उनके कार्यकाल के दौरान काटे गए थे, यानी कि हर एक पेड़ पर उन्होंने रिश्वत ली थी। ये बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की ओर से की गई है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जिला ऊना की टीम ने देर रात जिला मुख्यालय के क्षेत्रीय अस्पताल में तैनात सीनियर डॉक्टर एवं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपिन शर्मा के घर पर छापेमारी की। इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देखें। एक डॉक्टर जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल में समय से मरीजों का इलाज करने की थी, लेकिन वो डॉक्टर अस्पताल छोड़कर घर में ही मरीजों का उपचार करते पकड़ा गया। डॉक्टर विपिन शर्मा पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने के मामलों को लेकर विजिलेंस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। डॉक्टर विपिन शर्मा रीजनल अस्पताल ऊना में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात है, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कार्यभार भी उन्हीं के पास है। विजिलेंस की टीम ने छापेमारी के दौरान डॉक्टर के घर से नकदी और बड़ी मात्रा में दवाएं भी बरामद की है। जिला मुख्यालय के रीजनल अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर तैनात और अस्पताल के ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का पदभार संभाल रहे डॉक्टर विपिन शर्मा के घर स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार रात छापेमारी की थी। डॉक्टर विपिन शर्मा पर लंबे अरसे से प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप लग रहे थे। इसी बीच ये मामला विजिलेंस के पास पहुंचा, जिसके बाद डीएसपी विजिलेंस अनिल कुमार मेहता की अगुवाई में टीम का गठन हुआ और छापेमारी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।